हेलो फ्रेंड्स, कुक बिस्तरो चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पे आज हम बना रहे हैं गोभी के पकोड़े। गोभी के पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बन के गोभी ली है, उसके बाद बेसन लिया है, हरा धनिया, प्याज, दो हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा। सबसे पहले हम गोभी के जड़ वाले भाग को काट के अलग कर लेंगे। इसके बाद हम गोभी को ग्रेट कर लेंगे। हमें यहाँ पर 2 तरह के पकोड़े बनाने हैं, इसलिए मैं 1 फूल को ग्रेट कर रही हूँ और दूसरे फूल को हम टुकड़ों में तोड़ लेंगे। मैंने यहाँ पर 1 फूल को ग्रेट कर लिया है। ग्रेट की हुई गोभी को एक बाउल में डाल लेंगे। वीडियो को पूरा देखें, स्किप कर करके ना देखें, क्योंकि पूरी वीडियो देखने पर ही समझ में आएगा। इसके बाद डाला मैंने यहाँ पे हरा धनिया, प्याज, मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च ली हैं, इनको भी बारीक बारीक काट लेते हैं। अब डाला है मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच जीरा। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच सूखा धनिया लिया है। इसके बाद डाली है मैंने यहाँ पे करीबन 1 से 1.5 चम्मच नमक। अब अदरक को ग्रेट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अदरक लिया है। इन सब चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद डाला मैंने यहाँ पर करीबन 3 से 4 चम्मच बेसन। बेसन डालने के बाद हमें यहाँ पर पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि गोभी में काफ़ी मॉइस्चर होता है और एक अच्छा डो बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद डो पे हल्का सा तेल डाल देंगे ताकि डो अच्छे से चिकना हो जाए। हमने कढ़ाई में तेल छोड़ दिया है। अब हम पकौड़े बनाते हैं। सबसे पहले हम हाथों को अच्छे से चिकना कर लेंगे। उसके बाद हम एक छोटे साइज का डो तोड़ेंगे और अपने हाथ पे एक लंबे आकार में उसको एक शेप देंगे। देखिए इस तरीके से बनाना है। अब हमारा तेल गर्म हो गया है, इसको कढ़ाई में छोड़ देते हैं। इसी प्रकार सारे पकोड़े बनाकर तैयार करेंगे। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, गोभी रोल भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक रोल की तरह बनकर तैयार है। हमें मीडियम फ्लेम पर ही पकोड़े बनाने हैं ताकि अंदर से भी अच्छे से पक जाएं। अब हम पकोड़ों को पलट देंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छे से पक जाए। पकोड़े अच्छे से पक गए हैं, अब इनको निकाल लेते हैं। देखिए इनका कलर कितना अच्छा आया है। चलिए अब दूसरी तरह के पकोड़े बना कर दिखाते हैं आपको। सबसे पहले हम गोभी को छोटे छोटे पीसेज में काट लेंगे। अब हम बनाएंगे यहाँ पर बेसन का घोल। मैंने यहाँ पर 1 चुटकी लाल मिर्च डाली है, 1/2 चम्मच नमक डाला है, 1 चुटकी हल्दी डाली है, 1 टेबल स्पून धनिया क्रश करके डाला है। इसके बाद डालेंगे हम 1/2 नींबू का रस और हरा धनिया। इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बेसन का घोल बनाएंगे। यहाँ पे हमें एक साथ सारा पानी नहीं डालना है। देखिए घोल बन गया है। अब जो हमने गोभी के छोटे छोटे टुकड़े किए थे, उन टुकड़ों को घोल में डाल देते हैं।
इस साइड में हमारी कढ़ाई का जो तेल है वो गर्म हो गया है। गोभी के टुकड़ों को अच्छे से घोल में डिप करके तेल में छोड़ देंगे। सावधानी पूर्वक आप तेल में पकोड़े छोड़ें क्योंकि तेल की छींटे भी आ सकती हैं। कुछ देर पकने के बाद हम पकोड़ों को पलट देंगे। यहाँ पे हम पकोड़ों को दो स्टेप में पकाएंगे। एक स्टेप में हम पकोड़ों को कच्चा उतार लेंगे। यहाँ पे मैं कच्चे पकोड़े उतार रही हूँ और इन्हीं पकोड़ों को हम दोबारा पकाएंगे, एकदम कुरकुरे पकोड़े बनाएंगे। देखिए जो पकोड़े हमने यहाँ पे कच्चे उतारे थे उनको हम दोबारा पकाएंगे। पकोड़े एकदम कुरकुरे हो गए हैं, अब इनको उतार लेते हैं। आपको हमारी ये पकोड़ों की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।